हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मुंबई के रेलवे ट्रैक में कोई हाई वोल्टेज का वायर जोड़ दे तो दिल्ली में उस ट्रैक को छूने पर करंट लगेगा कि नहीं, क्योंकि सारे ट्रैक आपस में जुड़े हैं और यह लोहे के हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर मुंबई में रेलवे ट्रैक को हाई वोल्टेज से टच करा दिया जाए और उस ट्रैक को दिल्ली में टच किया जाए तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ट्रैक लोहे के होने और आपस में कनेक्टेड होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करंट की यह प्रॉपर्टीज होती है कि वह हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करती है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ग्राउंड, क्योंकि रेलवे ट्रैक को कुछ कुछ दूरी पर एक लोहे की पट्टी के द्वारा आपस में ग्राउंड कर दिया जाता है, इसलिए करंट आगे जाने के बजाय वही ग्राउंड हो जाएगी। करंट मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर जाने के बजाय वहीं पर शॉर्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करेगी और ज्यादा से ज्यादा 100 से 300 मीटर की दूरी ट्रेवल करते करते जहां पर उसे अर्थिंग मिलेगा वहीं पर वह ग्राउंड हो जाएगी। दोस्तों, यही कारण है कि ट्रेन में बैठने के बाद भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस ट्रेन के बॉडी के रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। करंट कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करेगी, मतलब कि ट्रेन की बॉडी से होते हुए वह ग्राउंड हो जाएगी। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी जिसे आप सभी को पता होना जरूरी था। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।